वहीं खबर जनपद पौड़ी से है, जहां बद्रीनाथ व मंगौर उपचुनाव मिली जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंडल मुख्यालय में जमकर जीत का जश्न मनाया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। तो वहीं कांग्रेसी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चुनाव में जीत की खुशी मनाई गई। इसी दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहित नेगी ने कहा कि आज की जीत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जीत है, वहीं इसके साथ ही जनता की जीत है, जिन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों से नाराज होकर कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह जीत दल बदलू नेताओं की भी करारी हार, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। वहीं के प्रदेश सचिव दीपक असवाल ने कहा कि यह जीत निकाय पंचायती व नगर निगम चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे और कांग्रेस निश्चित रूप से इन चुनाव में भारी मतों से विजय हासिल करेगी। पौड़ी से मुकेश बचेती। जिस प्रकार से दो सीटें एक मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव हुए थे, तो उसमें हमारे जो बद्रीनाथ से हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे लखपत बटोला जी और हमारे जो मंगलौर से विधायक हमारे काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर उनको चुना है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा की सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है और बाहर निकल के आए हैं। और खासकर बद्रीनाथ चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से राजू भंडारी दल बदल कर दूसरी तरफ भाजपा में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो जनता ने उसका बदला लिया है। और आगामी जो उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी अब कांग्रेस एक मजबूती के साथ काम करेगी और निश्चित निकाय के चुनाव है चाहे निगम के चुनाव है, उसमें कांग्रेस से कार्य करेगी और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उसमें उत्साह आ गया है और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में कांग्रेस सारे नगर निकाय चुनाव जीतने का काम करेगी। जैसे अभी जो प्रदेश में जो उपचुनाव है दोनों जगह, तो दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। ये होता है कि 2027 में भाजपा उत्तराखंड से साफ होने जा रही है और अब नगर निकाय के चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें काफी जोश है, काफी उत्साह है और नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और चुनाव जीतने के लिए तैयार है।